बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मजाहिद, आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई रेसिपी में। आज की वीडियो में हम तैयार करेंगे बीफ का कोरमा, बड़ा बेहतरीन। और जो शादियों में आप बीफ का कोरमा खाते हैं, वही तरीका होगा, कोई दाल आपके साथ सीक्रेट नहीं रखेंगे। आज चीज आपके सामने वादे कर देंगे। तो हमने 15 किलो बीफ का गोश्त लिया है, उसको रख दिया है बनने के लिए। इसमें हमने 2 किलो प्याज डालने, 15 किलो हमारे पास गोश्त है, तो 2 किलो हमने इसमें प्याज डाले। ये टमाटर, ये हरी मिर्च, लहसुन अदरक, टमाटर का पेस्ट है, वो इसमें डालेंगे। ये तकरीबन 1.5 किलो टमाटर, पाव हरी मिर्च, पाव लहसुन, पाव अदरक, ये उसका मिक्सचर है हमारे पास। नमक जो है वो उसमें जाकर डालेंगे। इसमें हमने अब कोई चीज और नहीं डाली, इसको पकने देंगे जब तक हमारा प्याज गलेगा, हमारा घी भी गल जाएगा, उसके बाद बाकी मसाले हमने यूज करना है। इसको ढक्कन से बंद करेंगे और हल्की आंच पे पकने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने जो बीफ 15 किलो डाला था, उसको हल्की आंच पे कर दिया था। इसकी ग्रेवी ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है, बोटी भी इसकी नरम हो चुकी है। तो अब इसमें हमने जो खड़े मसाले हैं वो हमने डालने हैं। हमने इसको दड़ा में डालेंगे 3 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच कुछ धनिया, 2 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच अब इसमें ऑयल डाल देंगे। और मसाले जो हमने डाल दिए हैं, ऑयल भी डाल दिया है, तो इसको आप इसमें बुनाई इसकी अच्छी तरीके से करेंगे कि इसकी ग्रेवी और इसका टेस्ट जो है वो डबल हो जाए। इंशाल्लाह बड़ी आसान रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है और फौरन तैयार होने वाली ये रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा जो बीफ कोरमा है वो तैयार हो गया। अब इसको दिखाते हैं आपको।